देखिए हमारी बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार पानी फुल्की तैयार है। बताइएगा ये रेसिपी कैसे लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आपके घर में सब। रब्बुल पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मैं आपकी शायर आज मैं बहुत यमी सी डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है पानी की फुल्की, क्योंकि बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार है, रमजान के हवाले से है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करेंगे तो मेरी कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी मैं बहुत सारी रमज़ान की न्यू रेसिपी लेकर आने वाली हूँ, और मेरी वीडियो को एंड तक दिखेगा, क्योंकि हर वीडियो के एंड में मैं कोई ना कोई टिप्स आपको ज़रूर बताती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। आइए हम किचन की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ इस पानी फुल्की को हम किस तरह से बनाएंगे और इसको हम क्या क्या एडिट्स बनाएंगे। ये देखिए हमारे पास हरा धनिया, पुदीना, प्याज, हल्दी, नमक और ये सोडा है पिंच बिल्कुल, लाल मिर्च है, इमली का पानी है, बेसन छना हुआ है 4 कप पानी, और ये मेरे पास अदरक पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च का पाउडर और नमक। अगर आपके पास अदरक का पाउडर ना हो तो अदरक भी काट के आप डाल सकते हैं। पहले हम इसका बैटर बनाएंगे बेसन का और फिर इसका पानी बनाएंगे। क्या है, हमने बेसन ले लिया, इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हल्दी डालेंगे, सोडा, नमक, और इसको हमने बैटर पेस्ट बना लेना इतना कि ये फ्लफी हो जाए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको अच्छी तरह से पेस्ट फेंटते जाएंगे, इतना बनाना है कि ये बिल्कुल फ्लफी हो जाए, ठीक है। ये देखिए हमने इसका बैटर बना लिया और ये बिल्कुल फ्लफी टाइप का हो गया, ये होगा बिल्कुल। अब इसका हम पानी बना लेंगे, पहले हम बहुत सॉरी हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। पहले हम क्या लेंगे इसके अंदर, पहले इसको ये अदरक पाउडर और ये जीरा पाउडर, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च और ये पानी, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। देखिए हमने इसके अंदर हरा धनिया पुदीना भी डाला था, ठीक है, ये ऑलरेडी इसमें पानी डाला हुआ है। अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे, ये जो मैंने पेस्ट डाला था हरा धनिया पुदीना भी डाला था, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसके अंदर आप सौंठ भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। मैंने इसके अंदर शुगर भी डाली है, ठीक है, ये मतलब शुगर भी मैंने इसके अंदर डाली थी। अब क्या है, इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे और जब तक हम इसकी फुल्कियाँ बनाएंगे, ठीक है। आइए हम इसकी फुल्कियाँ बनाते हैं। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है, मैंने थोड़ा सा ये 2-3 डाल दिए थे, अब इसी तरह से मैं और डाल दूंगी, ठीक है, और सारे डाल दूंगी इसी तरह से जितनी आपके इस पैन में जगह है, ठीक है। जितने पैन में जगह है सब हम डाल देंगे इसी तरह से। ये कितनी फूल रही हैं और इसको हमने फुल आंच पे पकाना है, और फिर इसके बाद हम डायरेक्ट वो पानी में नहीं डालेंगे, बल्कि जो हमने पानी बनाया था ये इमली का, ये जो हमने बैटर बनाया था ये वाला, इसके अंदर हम सारा ये फुल्का डाल देंगे डायरेक्ट। पहले ये हो जाए फिर हम आपसे फिर मैं आपसे मिलती हूँ कि इसके बाद हम क्या करें। ये देखिए हमारी तैयार हो गई है, अब इसको हम डाल देंगे इसी वाले पानी में, ठीक है, तो हम इसमें इमली वाले पानी में डालेंगे, ठीक है, ये हम इसको इमली वाले पानी में डालेंगे, पूरा बंद बंद कर देंगे, ठीक है। मैं इसको इस इमली वाले पानी में डालूंगा, देखिए इसको हमने इसमें पानी में डाला। अब इसके अंदर हम क्या, इसके अंदर बताइए क्या, आलू भी बॉईल करके आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा एकदम प्याज डाल देंगे, जैसे आपने रखना है ऑमलेट कर, जैसे भी, मुझे ज्यादा प्याज पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, बस ये तैयार है। देखिए
देखिए हमारी बहुत ही यमी, बहुत ही मजेदार पानी फुल्की तैयार है। बताइएगा ये रेसिपी कैसे लगी। आन में ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगती है। पानी जो इसका होता है वो बहुत यमी लगता है। और इस फुल्की को आप बना कर अपने पास फ्रीज करके रख सकते हैं। और इसका जो मैंने मसाला बनाया था, ग्राइंड जो किया था, उसको भी आप बना के काफ़ी टाइम के लिए अपने पास रख सकते हैं। चले मैं चलती हूँ, दोबारा आऊँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। यू ऑल ऑफ़ यू टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।